इन्फेंट्री का आधुनिकीकरण काफ़ी तेजी से हो रहा है। पिछले कुछ सालों में कई नए इक्विपमेंट हमारे इन्फेंट्री बटालियंस में आए हैं और ये इक्विपमेंट काफ़ी प्रभावशाली रहे हैं। UGS सिस्टम या अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर सिस्टम भी एक ऐसा ही इक्विपमेंट है। UGS का मुख्य काम है LCIB या काउंटर टेररिज्म के इलाके में होने वाले घुसपैठ को पकड़ना। यदि इस इक्विपमेंट का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले वर्षों में घुसपैठ पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। इसलिए यह निहायत ज़रूरी है कि हर इन्फेंट्री बटालियन के ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदों को UGS की हैंडलिंग के बारे में पूरी जानकारी हो। इन CBTs का उद्देश्य है आप सबको UGS की असेंबली, उसको लगाने का तरीका, उसके प्रोग्रामिंग और उसके रख रखाव संबंधी विस्तृत जानकारी देना। UGS सिस्टम को समझने के लिए 3 CBTs तैयार किए गए हैं। CBT 1 में UGS की असेंबली, उसे लगाने का तरीका और उसके रख रखाव संबंधी जानकारी दी गई है। इस CBT का ड्यूरेशन 37 मिनट का है। CBT 2 में UGS के ट्रांसमीटर के प्रोग्रामिंग के बारे में सिखलाया गया है। इस CBT का ड्यूरेशन 35 मिनट का है। CBT 3 में UGS के रिसीवर और रिपीटर के प्रोग्रामिंग के बारे में सिखलाया गया है। इस CBT का ड्यूरेशन 23 मिनट का है। कि आप पूरे के पूरे इक्विपमेंट से वाकिफ हो जाएं। एक UGS सिस्टम के साथ अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं। ये कंपोनेंट्स इस प्रकार से हैं। सेंसर्स, इसमें 4 किस्म के सेंसर्स आते हैं। सिकॉटिक सेंसर, एक UGS सिस्टम के साथ 4 सिकॉटिक सेंसर्स आते हैं। सिस्मिक सेंसर, एक सेट के साथ कुल 8 सिस्मिक सेंसर्स आते हैं। मैग्नेटिक सेंसर, एक UGS सिस्टम के साथ 2 मैग्नेटिक सेंसर्स आते हैं। पैसिव इंफ्रारेड या PIR, एक सिस्टम के साथ 2 PIR सेंसर आते हैं। PT 200, एक UGS सिस्टम के साथ कुल 8 PT 200 दिए गए हैं। रिपीटर यूनिट, एक सिस्टम के साथ 2 रिपीटर दिए जाते हैं। रिसीवर, एक सिस्टम के साथ 1 रिसीवर आता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक सिस्टम के साथ 1 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दिया गया है। प्रोग्रामर, एक UGS सिस्टम के साथ 1 प्रोग्रामर दिया गया है। अभी हम देखेंगे इन सारे असेंबलीज को जोड़कर किस प्रकार से डिप्लॉय किया जाता है। इसको हम अलग अलग भागों में, यानी असेंबलीज, लगाने का तरीका, प्रोग्राम करना और रख रखाव के दौरान डिटेल में समझेंगे।
भाग दो, लगाने का तरीका। भाग तीन, रख रखाव। एंटीना लगाना। सबसे पहले एंटीना पोर्ट को खोलें। विप एंटीना को एंटीना पोर्ट में लगा के एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसे टाइट करें। ऑक्सिलरी पोर्ट में सिकोटिक कंट्रोलर को लगाना। सिकोटिक कंट्रोलर को लें, दुरुस्त डिप्लॉय करते हुए सिकोटिक कंट्रोलर का मेल एंड ऑक्सिलरी पोर्ट के फीमेल एंड में जोड़ दें। राइट चैनल में सिस्मिक सेंसर लगाना। सिस्मिक सेंसर को जमीन के मुताबिक मैलेट या हाथ से दबाते हुए ग्राउंड में इतना दबाएं कि जमीन की सतह तक आ जाए। राइट चैनल को खोलें, सेंसर के मेल एंड को राइट चैनल में लगाते हुए फिक्स कर दें। यकीन करें कि नॉच मेल एंड के होल्स में दुरुस्त फिट हो गई हो। लेफ्ट चैनल में मैग्नेटिक सेंसर लगाना। मैग्नेटिक सेंसर को लें, सेंसर का मेल एंड लेफ्ट चैनल के फीमेल एंड में जोड़ते हुए नॉच को होल से मिलाते हुए डिप्लॉय कर दें। चंद एक समय दो सेंसर्स एक साथ डिप्लॉय करने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे में वाई केबल का इस्तेमाल किया जाता है। वाई केबल को लें, लेफ्ट या राइट किसी भी पोर्ट में जोड़ा जा सकता है। लेफ्ट पोर्ट में जोड़ते हुए वाई केबल से दोनों सेंसर्स को, पहले मैग्नेटिक फिर पीआईआर सेंसर, ज़मीन के मुताबिक डिप्लॉय करते हुए मेल एंड को मैग्नेटिक और पीआईआर से जोड़ दिया जाए। हम सिकोटिक डिटेक्टर केबल को स्प्लाइसिंग किट की सहायता से जोड़ने की प्रक्रिया पर गौर करेंगे। यह स्प्लाइसिंग किट के सभी वस्तु हैं। जोड़ने वाली दोनों केबलें ले लें। इनमें से एक की 40 मिलीमीटर की लंबाई नाप लें। अब दिखाए गए कटर की सहायता से केबल की काली ऊपरी स्लीव निकाल दें। इसी प्रकार अंदरूनी स्लीव भी निकाल लें। यहाँ पर आप तीन तारे देख सकते हैं। ये हैं लाल, काली और एक बैर ट्रेन तार। दूसरे केबल पर भी यही प्रक्रिया पुनः करें। वायर स्ट्रिपर की सहायता से लाल और काली तारों की 15 मिलीमीटर लंबाई स्ट्रिप कर लें। दूसरी केबल की दोनों तारों को भी स्ट्रिप कर लें।
केबलों की तारों को जोड़ दें। इंसुलेटिंग पट्टी चिपका दें। आवश्यकतानुसार इसकी लंबाई तथा चौड़ाई निर्धारित कर लें। इसके पश्चात दोनों केबल्स के जोड़ को इस स्लीव में डाल दें। स्लीव के छोर को घुमाकर कस दें। इस पूरी जॉइंट केबल असेंबली को एक रबर ट्यूब में डाल दें। एक सिरिंज में 15 ml पार्ट ए एपॉक्सी ले लें तथा इसे इस रबर ट्यूब में भर दें। पार्ट बी एपॉक्सी ले तथा उसे भी ट्यूब में डाल दें। को 5-10 मिनटों तक केबल जॉइंट का इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरह से मिलाएं ताकि वो कड़ा हो जाए। अब जोड़ दें। यूजीएस सेट के साथ आई असेंबलीज को इलाके के मुताबिक हम 3 बड़े भागों में बांट सकते हैं। टारगेट के इलाके में लगने वाली असेंबलीज, रिसीवर एंड के इलाके में लगने वाली असेंबलीज और रिपीटर के लगाने वाला इलाका। सबसे पहले PT200 को लें, उसके एंटीना पोर्ट को खोल दें। एंटीना को फिक्स कर यकीन करें कि एंटीना सही फिट हो गया है। एंटीना पोर्ट के साथ वाला पोर्ट ऑक्सिलरी पोर्ट कहलाता है। यहाँ पर हम सिकोटिक सेंसर को लगाते हैं। इसके साथ के 2 पोर्ट यानी लेफ्ट पोर्ट और राइट पोर्ट में बाकी बचे हुए 3 सेंसर किसी भी कॉम्बिनेशन में लगाए जा सकते हैं। यदि लेफ्ट और राइट पोर्ट में एक से ज़्यादा सेंसर डिप्लॉय करने की ज़रूरत पड़े तो हम वाई जंक्शन की केबल का इस्तेमाल करते हैं। इस केबल को लेफ्ट या राइट पोर्ट में जोड़ने के बाद दूसरे एंड के 2 सॉकेट्स में 2 सेंसर्स को जोड़कर डिप्लॉय कर देते हैं। ऑक्सिलरी पोर्ट से प्रोग्रामिंग का काम किया जाता है, यानी PG400 को प्रोग्राम कर लेने के बाद PT200 से संबंध रखने वाला डाटा PG400
इसी पोर्ट के जरिए PT200 के अंदर ट्रांसफर करता है। अभी तक के इस्तेमाल किए गए असेंबलीज सारे के सारे टारगेट एरिया में छुपा कर रख दिए जाते हैं। अभी हम देखेंगे रिसीवर एंड पर किन किन हिस्सों पुर्जों को कैसे कैसे जोड़ा जाता है। ऑपरेटर एंड पर या रिसीवर एंड पर हमें मुख्य तौर पर 3 असेंबलीज मिलती हैं, रिसीवर, लेड एसिड बैटरी और प्रिंटर। इनको जोड़ने का तरीका इस प्रकार से है। प्रिंटर की एक मुंह वाली केबल को लेड एसिड बैटरी में जोड़ें और साथ ही रिसीवर एंड टर्मिनल को टॉप कवर पर बने एक्सटर्नल बैटरी सोर्स के सॉकेट में जोड़ दें। केबल की दूसरी एंड को प्रिंटर के सॉकेट में जोड़ दें। प्रिंटर पे लगे पेपर रोल के जरिए हम लोग किसी भी घुसपैठ की सिग्नल को लिखित रूप में पा सकते हैं। यहाँ पर हमारा ऑपरेटर एंड पर सारी कार्रवाई खत्म हो जाती है। अभी आप देखेंगे कि किस प्रकार से घुसपैठ होने पर सिग्नल PT200 रिसीवर को देता है। पूरे UGS सिस्टम में यकीन करना ज़रूरी है कि रिसीवर एंड तक PT200 लाइन ऑफ साइट में हो। ज़रूरत पड़ने पर रिपीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह ज़रूरत तब पड़ती है जबकि रिसीवर और PT200 या टारगेट वाला इलाका 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे हो। एक रिपीटर के इस्तेमाल से रेंज को 7 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। रिपीटर का इस्तेमाल तब भी ज़रूरी है जबकि लाइन ऑफ साइट के बीच में कोई रुकावट आ जाए, जैसे कि कोई बड़ी पहाड़ी। जबकि हमें रिपीटर को इस्तेमाल करना हो, रिपीटर के टॉप कवर को खोलें, साथ ही उसके बैटरी कनेक्शन को जोड़ दें। रिपीटर के दाहिने और नीचे की तरफ आपको एक स्विच दिखाई दे रहा है। यकीन करें कि ऑन ऑफ स्विच ऑन पे कर दिया गया है। एंटीना एंड पर एंटीना की केबल का पहला एंड जोड़ दें। दूसरे एंड को किसी ऊंची पहाड़ी या पेड़ पर चढ़ाकर विप एंटीना से जोड़ दें। अब ये विप एंटीना आपको रिले का काम करने में मदद करेगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इसलिए ज़रूरी है कि रिपीटर भी उसी फ्रीक्वेंसी पर प्रोग्राम किया जाए। रिपीटर की प्रोग्रामिंग आपको भाग 3 में सिखाई जाएगी। अभी के लिए इतना समझ लेना ज़रूरी है कि PG400 के द्वारा रिपीटर को प्रोग्राम किया जाता है। जबकि रिपीटर को डिप्लॉय कर दिया हो तो सिग्नल को रिले होने का सिस्टम इस प्रकार से हो जाएगा। PT200 पकड़ा हुआ घुसपैठ सिग्नल के जरिए विप एंटीना को देगा। विप एंटीना उस सिग्नल को अपने पास 1 सेकंड के लिए रखेगा और उसी सिग्नल को वापस रिसीवर को ट्रांसफर कर देगा। आम बातें, UGS को लगाने के पहले चेक करें कि उसमें कोई टूट फूट या उसके केबल्स में कोई कट नहीं है। कनेक्टर्स और पिंस को धूल मिट्टी से बचा कर रखें। यदि रिसीवर और प्रोग्रामर का रोज इस्तेमाल किया जा रहा है तो उन्हें एक्सटर्नल बैटरी के द्वारा रोज चार्ज करें। इन्फिल्ट्रेशन की पक्की खबर के लिए 2 सेंसर्स को क्वालिफाई मोड में लगाएं। प्रोसेसर ट्रांसमीटर PT200 करने वाली बातें इस प्रकार से हैं। ट्रांसमीटर को प्रोग्राम करते समय टैम्पर और स्टेटस अलार्म ऑन करें। ट्रांसमीटर को जमीन के अंदर दबाने के पहले पॉलिथीन बैग में डालें। स्टोरेज के समय सारे बैटरीज को डिस्कनेक्ट करें। ट्रांसमीटर को कवर को जब भी बैटरी बदलने के लिए खोला जाता है उस समय उसके ऊपर सिलिकॉन ग्रीस लगाएं।
ना करने वाली बातें इस प्रकार से हैं। सीज़मिक मैग्नेटिक और पीआईआर सेंसर डिटेक्टर को ऑक्सिलरी पोर्ट में ना कनेक्ट करें, विप एंटेना को ना झुकाएं और किसी धातु या जमीन से ना लगने दें। प्रोग्रामिंग के समय सेंसर डिटेक्टर्स को कनेक्ट ना करें। बैटरी कंपार्टमेंट के कवर को ढीला ना छोड़ें। सीज़मिक सेंसर डिटेक्टर करने वाली बातें इस प्रकार से हैं। केबल को छुपाने के लिए मिट्टी खोदें। सीज़मिक स्पाइक्स को फिक्स करने के लिए छोटा गड्ढा खोदें। सीज़मिक सेंसर डिटेक्टर के स्पाइक को जमीन के ऊपर खड़े रुख में दबाएं। ना करने वाली बातें इस प्रकार से हैं। इसे ढीली मिट्टी में ना गाड़ें। इसे नाले, झरने, मोटर पंप्स, रेलवे लाइन के पास ना लगाएं। इसके स्क्रूज को ना खोलें। मैग्नेटिक सेंसर डिटेक्टर करने वाली बातें इस प्रकार से हैं। एरोहेड घुसपैठ के मूवमेंट की तरफ फेस करना चाहिए। मैग्नेटिक सेंसर डिटेक्टर और डिटेक्टर केबल को जमीन के थोड़ा नीचे गाड़ना चाहिए। ना करने वाली बातें इस प्रकार से हैं। इस डिटेक्टर को जमीन के ऊपरी सतह से 75 सेंटीमीटर से ज्यादा नीचे ना दबाएं। पीआईआर डिटेक्टर करने वाली बातें इस प्रकार से हैं। चेक करें कि पीआईआर डिटेक्टर का फिल्टर साफ है कि नहीं। डिटेक्टर को हमेशा ग्राउंड के ऊपर लगाएं। ना करने वाली बातें इस प्रकार से हैं। डिटेक्टर सूरज की तरफ फेस करता हुआ नहीं लगाया जाना चाहिए। सेकोटेक केबल डिटेक्टर करने वाली बातें इस प्रकार से हैं। सेकोटेक केबल को जमीन पर जिगजैग आकार में लगाएं ताकि ज्यादा एरिया कवर हो। सेकोटेक कंट्रोलर को ग्राउंड के नीचे मैक्सिमम 300 मिलीमीटर तक दबाएं और उसे पॉलिथीन से कवर करें। सेकोटेक सेंसर डिटेक्टर के एंड को डस्ट कैप से ढकें। ना करने वाली बातें इस प्रकार से हैं। सेकोटेक कंट्रोलर को 300 मिलीमीटर से ज़्यादा नीचे ना दबाएं। सेकोटेक केबल सेंसर डिटेक्टर को कभी भी लटकते हुए मत लगाएं। प्रोग्रामर करने वाली बातें इस प्रकार से हैं। प्रोग्रामर को हमेशा कैनवास कैरिंग बैग में रखें। यदि प्रोग्रामर का इस्तेमाल रोज किया जा रहा हो तो इसे रोज चार्ज किया जाना चाहिए। ना करने वाली बातें इस प्रकार से हैं। सीधी धूप में प्रोग्रामर ना रखें। एलसीडी पैनल खराब हो सकता है। कीपैड के कीज को जोर से ना दबाएं। प्रोग्रामिंग केबल को रिपीटर या ट्रांसमीटर से तब तक डिस्कनेक्ट ना करें जब तक कि सारी सेटिंग्स डाउनलोड नहीं हो जाती है और उनका कंफर्मेशन नहीं मिल जाता। रिपीटर यूनिट करने वाली बातें इस प्रकार से हैं। रिपीटर को प्रोग्राम करते समय हमेशा डैम्पर ऑन और स्टेटस ऑन रखें। रिपीटर पर दिए गए प्रेशर रिलीज वाल्व को अच्छी तरह टाइट करें। रिपीटर को कवर पर सिलिकॉन ग्रीस लगाएं। ना करने वाली बातें इस प्रकार से हैं। स्टोरेज के समय बैटरी टर्मिनल को कनेक्टेड ना रखें और ऑन ऑफ स्विच को ऑन पर ना रखें। जब बैटरीज कनेक्टेड हों उस समय बाहर से वोल्टेज ना अप्लाई करें। रिसीवर यूनिट करने वाली बातें इस प्रकार से हैं। यदि रिसीवर का रोज इस्तेमाल हो रहा हो तो उसे रोज 10 से 12 घंटे चार्ज करें। रिसीवर को हमेशा कैनवास कैरिंग बैग में रखें। प्रोग्रामिंग के समय रिसीवर यूनिट के कीज को धीमे से प्रेस करें
और अगला की प्रेस करने से पहले थोड़ा वक्फा दें। ना करने वाली बातें इस प्रकार से हैं। रिसीवर यूनिट को सीधी धूप में ना रखें। रिसीवर यूनिट का ऑपरेशन प्रोग्राम करते समय कीपैड के कीज प्रेस ना करें। बैटरीज का रखरखाव करने वाली बातें। यदि ट्रांसमीटर आईडी के बाद स्टार सिग्नल आए या हेल्थ स्टेटस के बाद स्टार सिग्नल आए तो इसका मतलब है कि ट्रांसमीटर की बैटरीज कमजोर हैं। इन बैटरीज को बदला जाना चाहिए। ट्रांसमीटर की बैटरीज हर 2 महीने में बदले जाने चाहिए। रिपीटर के बैटरी हर 1.5 महीने के बाद बदले जाने चाहिए। सेकोटेक कंट्रोलर के बैटरी को हर 3 महीने में बदला जाना चाहिए। यदि रिसीवर या प्रोग्रामर का मेन बैटरी कमजोर हो जाता है तो इस हालात में रिसीवर और प्रोग्रामर को एक्सटर्नल डीसी चार्जर से 10 से 12 घंटे तक चार्ज किया जाना चाहिए। जब प्रोग्रामर और रिसीवर का इस्तेमाल ना हो रहा हो तो उन्हें चार्ज पर लगाया जाए। ना करने वाली बातें। यदि रिसीवर या प्रोग्रामर में टाइम या कैलेंडर सेट नहीं हो रहा हो तो इसका मतलब है कि लिथियम बैटरी कमजोर हो गई हैं। ऐसी हालात में बैटरी के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें और रिसीवर तथा प्रोग्रामर यूनिट को बेस वर्कशॉप भेज दें ताकि वहां मेमोरी बैटरी रिप्लेसमेंट किया जा सके। इस सीबीटी में आप यूजीएस की असेंबली, उसको लगाने का तरीका और उसके रखरखाव के बारे में सीख चुके हैं। आने वाले समय में एलसी और आईबी के ऊपर यूजीएस घुसपैठ रोकने में अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि इन्फेंट्री बटालियन के हर नुमाइंदे को यूजीएस के बारे में जानकारी हो। इस सीबीटी से आपको यूजीएस से संबंधित बेसिक जानकारी दी गई है। यूजीएस की हैंडलिंग में आपको महारत तभी हासिल होगा जब आप इसका ज़मीन पर खुद इस्तेमाल करेंगे।